महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने की कड़ी में न्यूज लॉन्ड्री रायगढ़ के महाड़ तहसील पहुंची। यह इलाका बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हुआ है। यहाँ के भियोघर गांव से गुजरते हुए आपको इस इलाके की प्राकृतिक खूबसूरती का एहसास होगा। सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाएं इसे नायाब रूप देती हैं, लेकिन इसी साल 22 जुलाई को इन गांवों ने तबाही और खौफ का भयानक मंजर देखा। भियोघर से लेकर पिंपलवाड़ी तक 14 किलोमीटर की सड़क के दोनों तरफ लगभग 100 से ज्यादा लैंडस्लाइड हुए हैं। यहाँ किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन लैंडस्लाइड के चलते खेती की जमीनें पूरी तरह तबाह हो गई। भियोघर में रहने वाली 66 साल की द्रौपदी हिडेकर के पास खेती की 1 एकड़ जमीन थी। लैंडस्लाइड के बाद इनके खेत में कंकड़ पत्थर भर गए हैं। वह अपनी नेत्रहीन बेटी के साथ रहती हैं। गुजारे का इकलौता जरिया खेती था, पर अब वह खेत किसी काम के नहीं रहे। नुकसान आमचं भात शेती गेले, भात शेती सगळीच गेले, भात शेती, झाड, नाचणीची जमीन आणि तुरी लावल्या होत्या त्या गेल्यात। आम्हाला कोणी नाही विचारायला, कोणी नाही आलं। कोण सेठ आहे ना आमदार, उसके पास गया था, 8 दिन के बाद गया था, आया नहीं ना इधर, कोण देखने को। मैं उधर गया था उसके पास, तो बोला भेज देता है, तुम जाओ हम भेज देते हैं उसको, और जमीन का क्या क्या गया है ना वो देखने को भेज देते हैं। तो वो देखने आया था कोई? वो देखने को आया था, देखा नहीं, इधर ही पूछा हमको क्या क्या गया, बोला तुम लेटर देखो लिखा के दो, वो देखते हैं हम क्या करने गए। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हमारा वो हर एक साल का ही गया है, अभी क्या करने का है, वो क्या देगा अभी? 4-10 किलो चावल देगा, और चलो अभी 1 महीना गया, फिर पूरे आगे क्या देखने का है मेरे को। भियोघर गांव में न्यूज लॉन्ड्री को कई ऐसे परिवार मिले जिनकी हालत द्रौपदी हिडेकर के जैसी हो गई है। 45 साल की स्वर्णा सकपाल की भी यही कहानी है। उनके घर के पास जुलाई में लैंडस्लाइड हुआ था, और तब से उनके मन में लैंडस्लाइड का खौफ बना रहता है। खूब भीती वाटली रात्रीची आम्हाला झोपायला। असे आम्ही आता मागं एक झाले असे, ते आम्ही आमच्या नंद्याकडं 15 दिवस खाली होतो, महिना 15 दिवस जवळजवळ। आता हे गणपती आल्यामुळे आम्ही 2 दिवस झाले आता वर आलो घरी। पाऊस जर मोठा आला तर खूप भीती वाटते। भीती म्हणजे असं वाटतं खाली जावं का काय मुलांना घेऊन, असं वाटतं। भियोघर से पिंपलवाड़ी की ओर बढ़ते हुए न्यूज लॉन्ड्री भिसेवाड़ी गांव पहुंचा। इस गांव में सबसे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन गांव वालों की किस्मत अच्छी थी कि यहां लैंडस्लाइड गांव के रिहायशी इलाकों के बगल से होता हुआ गुजर गया। उस रात बगल के गांव सुतारवाड़ी के लोग भी आसरा लेने के लिए भिसेवाड़ी आए थे, क्योंकि उसी शाम सुतारवाड़ी में भी एक लैंडस्लाइड हुआ था। गांव के लोग आज भी उस हादसे से डरे हुए हैं। जेवण बनवता बनवता हे जेवण बनत होती, तेवढ्यात 8-8 वाजलेले, एवढ्या दरम्यान तिकडे जोरात आवाज आला। मग आवाज आल्याच्या नंतर ती पण लोक भयभीत झाली, जायचं कसं? आता जायला आपण ह्या पलीकडे जरी जातो तरी तिथं बुडतोय, आणि इकडे राहिलं तरी पण आपलं बोललो आता काय खरं नाही। मग आम्ही काय केलं, त्या लोकांना एवढा पाऊस असताना देखील आमची 2-3 माणसं घेतली, आणि ती त्या वाडीची जी लोक होती त्यांना आम्ही नदीच्या पलीकडे काढून त्यांना शाळेमध्ये घालवली, आणि आमच्या वाडीची जी टोटली लोक होती त्यांना सांगितलं कोणी हालू नका, तिथे ते घर आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही सगळेजण आपण थांबू। आणि आम्ही आता जी मेन माणसं होतो मोठी मोठी माणसं ते सर्वजण आहे ना त्या तिथेच थांबलो, कोणी झोपलं नाही काय नाही रात्रभर। इस गाव के लोग फिलहाल एक स्कूल में रह रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार उन्हें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह पर बसाए। आमच्या इकडे दखल कोणी घेत नव्हते, नंतर ही दखल घ्यायला लागले की जेणेकरून लोकांना माहिती पडलं की इथं बिकट परिस्थिती झालेली आहे, लोक कशी राहू शकतात ह्याच्या पुढे सुद्धा। तर आम्ही शासनाजवळ अशी मागणी केली होती की आमचा पुनर्वसन सुद्धा लवकरच लवकर व्हायला पाहिजे, जेणेकरून पुनर्वसन जर नाही झाला तर आमचा जीव हा धोक्यामध्येच ठरलेला आहे, कारण आम्ही जिवंत राहू शकणारही नाही आणि शासनाला सुद्धा आम्ही दिसणार नाही। आम्ही येतो गाव बचनेवाला नाही आहे दुसरे बारिश तक, ती जे आहे ना जे बचेले आहे व आज नाही कल तो आने वाला आहे। इसके लिए कुछ तो गवर्नमेंट बोलो, तुम लोग बोलो, कुछ तो रिस्क लेना जरूरी है। जैसा वो तले गांव में होगा वैसा मेरे नयर में होएगा, तो हम लोग क्या देखेगा, किसी का देखेगा। न्यूज लॉन्ड्री आगे निगड़े गांव पहुंचा। यहां की जगताप वाड़ी में रहने वाले सभी 17 परिवारों के खेत लैंडस्लाइड के चलते बर्बाद हो गए हैं। अभी जो आम भरपूर पाउस गावात पहिल्यांदाच एवढं लँडस्लाइडिंग झालं, म्हणजे आम्ही त्याला वसरे बोलतो मराठीमध्ये, आमच्या लँडस्लाइडिंग झालं। याच्यामध्ये आमचं जीवितहानी झाली नाही अजिबात, म्हणजे आमचं गाव डोंगरापासून खूप खालच्या अंतरावरती आहे, त्यामुळं जीवितहानी झाली नाही, परंतु आमच्या शेतीचं खूप नुकसान झालं।
म्हणजे शेती अशी नुकसान झालं की भविष्यात आम्ही पुन्हा तिथे शेतीच करू शकत नाही. त्यामुळं आता भविष्यात तिथे शेती आमची नष्ट झालेली आहे, फुकट गेलेली आहे. त्याच्यानंतर हे झाल्यानंतर आमचे महाराष्ट्र शासनाचे कृषी विभागाचे ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटचे लोक येऊन पंचनामा करून गेलेत, परंतु त्याच्यानंतर आम्हाला काही नुकसान भरपाई अजून काही मिळालेली नाही. आणि जरी मिळाली तरी ती तुटपुंजी मिळेल त्याच्या त्या मदतीने किंवा त्या मिळणाऱ्या पैशातून आमची शेती काय पुन्हा उभी राहणार नाही. म्हणजे किती किती ते मूल लावतात? म्हणजे जनरली जी माहिती मिळते गुंठ्यामागं 280 रुपयेच मिळणार आहेत आम्हाला एक गुंठ्यामागं. हां, गुंठ्यामागं. गोलेकोंड से पिंपलवाड़ी तक हर गांव की यही कहानी है. कई गांव लैंडस्लाइड में उजड़ गए. सबका एक ही डर है कि अगर सरकार उनकी मदद नहीं करेगी तो वो फिर कैसे खेती करेंगे. तरी 30-35 अगर आम्ही लावले तेव्हा माणसं करून मी घेतली ना, मी बाई माणूस, मग नागर त्यांना जेवण असे 8-10 दिवस तरी अगदी जातात. पाणी लवकर टायमात मिळालं, पाऊस पडला तर होतो 10-11 दिवसात, नाही तर 15-20 दिवस असे पण जातात. परत शेती करायला गेले तर गव्हर्नमेंटनी पैसे दिले तर GCB लावून ट्रॅक्टर अशी आम्ही उन्हाळ्या दिवशी करू ती कामं. थोडीफार आम्हाला करणंच बघाय, आमचं जीवनच त्याच्यावर आहे तर आम्ही करायलाच पाहिजे ना. तरी अंदाज आहे का तुम्हाला किती पैसे लागतात? तरी लाखभर जास्त लागतील असं समजलं तरी चालेल. ते काही 2-4 दिवसांनी काम होणार नाही, 15-15 महिना जाईल हिसाब करीपर्यंत. 2 टाईम तर आपल्याला जेवायला पाहिजे, त्याच्यावर चटणी मिठ पाहिजे, पूर्ण आणली मजुरी करून तर हे असंच आमचं आहे. दुसरं काय नाही, वर्षातून हे पावसाळी एकच उत्पन्न, उन्हाळी काय नाही होत इकडं. पिंपलवाड़ी की रहने वाली हीराबाई शेडगे के घर के बगल से एक बड़ा सा लैंडस्लाइड गुजरा था जिससे उनकी खेती बर्बाद हो गई. म्हणजे इकडे खूप नुकसान झालं का तुमचं? ही बातची नाही का सगळी गेली बघा. आमदार पेपर काय नाही बोललो, म्हणलं काय घरात नुसकानी, घरमध्ये घर पाडला नाही ना, घरात म्हणजे घरात अन्य धान्य काय भिजला नाही ना, मग त्याच्या पण आम्हाला काहीच नाही बोललो. आम्ही ग बसलो माझा पडता, आम्ही गरीब माणसं आपलं कुठे जायचं त्यांच्या बरोबर भांडण करायला आणि लागायला, यांमध्ये समजून या काय करायला. तरी आमचा मालक आपला येडा येतो तिथं आहे वर, तो म्हणला आमदारांना म्हणला एवढी वाढीची माती एवढी तरी आम्हाला काढून द्याल का? तर आमदार काय बोलले, आम्ही म्हणलो सरकारकडून आम्हाला भेटेल, काय होईल ते बसून जाते तुम काय नाही. ही लाईन चपण केली बघ, मग वायर मी खांब टाकलं मंदिरापर्यंत लाईन गेली ती, ही लाईन अशा तुटून गेली. आम्हाला लाईट नव्हती एक महिना आम्ही तालुकात होतो. सरकारी सहायता के सवाल पर न्यूज लॉन्ड्री ने महाड़ के नायब तहसीलदार से बात की. सर्वे के बावजूद इधर महाड़ में अभी 24 ऐसे गाँव है उसमें GSI के थ्रू हमें हमने सर्वे किया है, उसमें जो लैंडस्लाइड हुआ है या कुछ हादसे हुए उसमें जो रिलीफ देना है और एग्रीकल्चर लैंड का जो नुकसान हुआ है उसको रिलीफ देना है, वो 6,000 पीपल के उनको रिलीफ देना है. फार्मर के लिए अभी कंपनसेशन गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया है, लेकिन उसका डिमांड कर दिया है, अभी वो शुरू होने वाला है और उसके ये 4-8 दिन में वो पूरा हो जाएगा. महाराष्ट्र के इस इलाके में लैंडस्लाइड की तबाही ने एक अलग चेहरा दिखाया है. इसमें जान की हानि तो नहीं हुई, लेकिन माल की क्षति इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि इससे उबरने में किसानों को लंबा वक्त लगेगा. खबरों की तह में जाकर की जाने वाली ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर देख सकते हैं, क्योंकि हम विज्ञापन से नहीं आपके सहयोग से चलते हैं. न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें.